चलिए नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री हम लोगों का चल रहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे किसको लेकर के, हम लोग तुर्कों को हमले से पहले भारत में कुछ डायनेस्टीज हैं, राष्ट्रकूट, चोलास, पल्लवास, है ना, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत को हम लोग डिस्कस करेंगे, और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड हम लोग रखेंगे, ये टाइम पीरियड है 1206 से 1526 तक, इसका हम लोग टाइम पीरियड रखेंगे। इस काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, ठीक। तो इस दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, तो उस डायनेस्टी को हम लोग बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी, क्योंकि हम लोगों ने देखा लास्ट में सबसे पहले क्या तुर्क में क्या है, मोहम्मद गौरी आता है, भारत के बड़े प्रदेश को उत्तर भारत तक के क्षेत्र में कर लेता है, जीत लेता है। और जब मोहम्मद गौरी की क्या होती है, डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद प्रश्न आता है कि अब इसके जो बाकी बचा, जो डेथ हो गई और डेथ होने के बाद जो इसका जो साम्राज्य है, इसको कौन संभालेगा, इसको कौन ये गद्दी पर बैठेगा। तो ऐसे स्थिति में जब मोहम्मद गौरी के बाद सबसे पहली जो डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग ममलूक वंश के नाम से जानते हैं, या ममलूक डायनेस्टी, जिसको कई बार हम लोग क्या है, दास डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आ गए ममलूक। देखिए इसी ममलूक को हम लोग कई बार बुक्स में इसको दास वंश भी कहा जाता है। तो जो ममलूक डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, तो 1206 से लेकर 90 तक इसका टाइम पीरियड हम लोग रख सकते हैं, 1206 से 90 AD तक इसका हम लोग टाइम पीरियड रख सकते हैं। अब सबसे पहली बात, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, तो पूरा उत्तर भारत और सिंध, मुल्तान, पश्चिमोत्तर रीजन में ये जो पूरा एरिया है, ये छूट गया। तो अब ऐसी स्थिति में अब इसको कौन गद्दी संभालेगा, तो गद्दी संभालने के लिए ममलूक डायनेस्टी में हम लोग बात करें, तो सबसे पहले व्यक्ति हैं, इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहला ममलूक डायनेस्टी में सबसे पहला राजा कौन बना, इसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 90 AD तक राज किया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भी क्या है, दास कहा जाता है, ये भी क्या है, मोहम्मद गौरी का क्या है कि दास है। दरअसल क्या हुआ, जब पूरा रीजन, पूरा उत्तर भारत छूट गया मुल्तान और सिंध को छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में कई सारे दावेदार सामने आएंगे, जिनमें से एक प्रमुख दावेदार कौन है, जो अब गद्दी हथियाई, उस व्यक्ति का नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया, जो मोहम्मद गौरी है उसका एक विश्वासपात्र व्यक्ति है यालदोज, तो इस यालदोज से क्या काम किया, यालदोज की बेटी से विवाह कर लिया, तो उससे संबंध स्थापित कर लिए। एक दूसरा सिंध का अधिकारी है, उस सिंध के अधिकारी का नाम है कुबाचा, ये ठीक है, नासिरुद्दीन कुबाचा नाम का व्यक्ति है। उस नासिरुद्दीन कुबाचा से क्या काम किया, उस नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी करा दी, बहनोई बनाया। और इसके बाद एक और विश्वासपात्र अधिकारी था उसका, मोहम्मद गौरी का, जिसको हम लोग इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। और इस इल्तुतमिश को क्या कर दिया, इल्तुतमिश को ठीक है, इतनी इल्तुतमिश से क्या काम किया, खुद क्या कर लिया, अपनी बेटी की शादी किससे करा दिया, इल्तुतमिश से करा दिया। तो एक पहले सबसे पहले क्या किया, जो यालदोज नाम का व्यक्ति है उसकी बेटी से शादी कर लिया। इसके बाद दूसरा जो सिंध का बड़ा अधिकारी है नासिरुद्दीन कुबाचा, उससे अपनी बहन की शादी करा दिया। और तीसरा एक बड़ा अधिकारी है, दास अधिकारी है, उसका नाम है इल्तुतमिश, उससे क्या कर दिया, अपनी बेटी की शादी कर, यानी कि उसको दामाद बना लिया। और ये तीन ही बड़े लोग हैं, तीनों को काउंटर कर लिया। और काउंटर करने के बाद क्या हो गया, ऐबक क्या होता है, दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठ
बैठ गया। अब देखो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर भले ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया, लेकिन बैठने के बाद भी क्या है, इसने खुद को अपने आप को कभी भी क्या है सम्राट घोषित नहीं किया है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का शासक इसने खुद को घोषित नहीं किया है। अभी भी वफादार किसके प्रति है, मोहम्मद गौरी के प्रति है। तो दिल्ली सल्तनत के पे बैठने की गद्दी पर बैठने के बाद इस व्यक्ति के द्वारा क्या है सुल्तान की उपाधि, सुल्तान का टाइटल अभी तक नहीं लिया गया। दो टाइटल इसने लिए अपने पास, इसने अपने आप को सुल्तान माना ही नहीं, उपाधि ली इसने मलिक, और सिपाह सालार, इन दो उपाधियों से इसने काम चलाया, अपने आप को सुल्तान क्या है घोषित किया ही नहीं। और बनने के बाद अपनी राजधानी ले गया लाहौर को, क्या बना दिया अपनी कैपिटल बनाया। देखिए दूसरी बात है, इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें हम लोगों को जानने की, यहां से कुछ एग्जाम में कुछ प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इस व्यक्ति को कई सारे उपनामों से जाना जाता है, इसको लाख, अब मैं हिंदी शब्दों का यूज ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ये शब्द इसको क्या कहता है, इसको लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा गया है, लाख बख्श, लाखों का, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो इसको क्या लाख बख्श, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि लाख बख्श का टाइटल किसको दिया गया है, किसको कहा जाता है, तो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर बात की जाए तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ और काम कराए, जैसे इसने दो बड़ी फेमस मॉस्क मस्जिदों का निर्माण कराया है जिसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके द्वारा बनवाई गई मॉस्क कौन कौन सी हैं, मस्जिदें, दो मस्जिदों का निर्माण कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और पहली मस्जिद को बोलते हैं कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम इस मस्जिद को बोला जाता है। दूसरी मस्जिद की बात करें तो इसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। और एक पहली कौन सी है, कुब्बत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का इसने क्या किया, निर्माण कराया। इस व्यक्ति ने एक बड़े फेमस सूफी संत हैं कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन वक्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन वक्तियार काकी, और इन्हीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन वक्तियार काकी की याद में निर्माण करा दिया किसका, आप सभी लोगों ने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, लेकिन देखिए निर्माण की स्टार्टिंग करा दिया कौन, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इस निर्माण को ये पूरा नहीं करा पाया, इस बीच में क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो इसको पूरा कराने का काम किया किसने, इल्तुतमिश द्वारा। इस प्रोजेक्ट को पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। साथ ही साथ इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, बस इतनी ही बात हम लोग जानेंगे, 1210 में इसकी क्या हो गई डेथ हो जाती है, किसकी, इस व्यक्ति की क्या हो गई 1210 में, डेथ हो गई। और डेथ होने का कारण क्या है, चोगान, एक खेल होता है चोगान, खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी क्या हो गई, डेथ हो जाती है। चौगान का मतलब वर्तमान जिसको हम लोग क्या पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है, घोड़े पे क्या है एक स्टिक के माध्यम से गेंद को क्या गड्ढे में डाला जाता है, उसी को पोलो बोलते हैं आज वर्तमान में। तो चौगान खेलते समय इस व्यक्ति की होती है, यहां से क्या हो गई, डेथ हो गई। जल्दी से आप स्क्रीन शॉट ले, फिर आप लोग आगे की बात करते हैं। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद एक राजा, एक और सुल्तान बना है आराम सा, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ा ताकतवर सुल्तान नहीं है, उसको जल्दी ही इल्तुतमिश के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, उसको जल्दी ही क्या किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो उसको आराम शाह के बारे में हम लोगों ने कोई जानते बातें कोई पढ़नी हमने है नहीं, वहाँ से ना ही कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग सीधी किस पे आते हैं, इल्तुतमिश पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट किंग कौन हो गया आपका, इल्तुतमिश। अगला सुल्तान बनेगा इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश की बात करें तो इसके द्वारा 11 में बना और 36 तक क्या रहा, गद्दी पे रहेगा।
देखिए सबसे पहली बात तो इल्तुतमिश की क्या है, जाति को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये किस जाति का है। देखिए तुर्क है, लेकिन कौन सी तुर्क है? इल्वरी तुर्क है। और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी क्या है, सुल्तान है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान रहा है, तो इस सुल्तान के पद पे आने से पहले ये व्यक्ति क्या है, वदायूं का सूबेदार था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार उठा लिया जाता है कि ये कहाँ का गवर्नर था, तो कहाँ का गवर्नर था, ये गवर्नर कहाँ का है, इल्तुतमिश वदायूं का गवर्नर है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, इसने अपनी राजधानी, देखिए राजधानी लेके आता है दिल्ली को, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत ही हम लोग पढ़ रहे हैं, राजधानी भी दिल्ली लेके आया। और जिस प्रकार अभी कुतुबुद्दीन ऐबक से हम लोग पढ़ा था, अभी क्या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया है, इस व्यक्ति ने राजधानी दिल्ली लाया और सुल्तान की उपाधि धारण किया। देखिए मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम बगत में मुस्लिम का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है, उसको क्या खलीफा कहा जाता है। तो इस समय जो बगदाद के खलीफा हैं, उस खलीफा से क्या क्या इसने खिलत प्राप्त की। खिलत का मतलब क्या है, एक क्या है, एक समझ लीजिए एक तरह से क्या है, एक एक वैधानिक क्या है, लीगल क्या है, एक सर्टिफिकेट इसको मिल गया, यानी कि उसने क्या किया, इसको क्या है सम्राट यानी कि सुल्तान घोषित कर दिया, खिलत ये होता है। ठीक है, तो इसके दो इसको क्या है, पहली बार बगदाद का जो खलीफा है उस खलीफा से क्या है, इसको सर्टिफिकेशन मिल गया किसका, सम्राट बनने का। तो इसलिए इस व्यक्ति को दिल्ली सल्तनत का लीगल किंग भी कहा जाता है, वैधानिक सम्राट भी इसको बोलते हैं, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी क्या है, इसी इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक दिल्ली संस्थ का वास्तविक संस्थापक किसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इल्तुतमिश। और ये प्रश्न भी एग्जाम में, अच्छा इसको एक नाम हो रहा है, इसको गुलामों का गुलाम बोल देते हैं। रीजन क्या है, दरअसल ये भी क्या है, गुलाम का गुलाम, एक गुलाम है, गौरी का गुलाम है। ठीक है, और फिर उसके बाद राजा कौन बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में भी काम किया, तो इसको कई बार गुलाम का गुलाम भी इसी को बोला जाता है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न कई बार उठा लिया जाता है। दूसरी अगर हम लोग बात कर ले, देखिए इसके समय इसने एक दल का गठन किया जिसको तुर्कान ए इसको तुर्कान ए चिहलगानी के नाम है, या चालीसा दल। तो तुर्कान ने चिहलगानी किया, इसके 40 अमीरों, विश्वासपात तुर्कों का क्या है, एक संगठन है जो हमेशा इसकी सुरक्षा में रहता है, इसके साथ चलता है, इसको क्या है, तुर्कान ने चालीसा कहा गया। एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न बनाते हैं कि तुर्कान ने चालीसा किसको बोलते हैं, ये तुर्कान ए चालीसा का गठन कौन किया, तो कौन किया, इल्तुतमिश किया। और ये पहला वो सुल्तान है जिसने क्या काम किए, कॉइन्स जारी किए, सिक्के जारी करता है, ये सिक्के जारी किए। देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने क्या शुद्ध अरबी यानी कि कौन सिक्के, अरबी सिक्के जारी किए। और ये जो अरबी सिक्के जारी किए, दो तरह के सिक्के जारी किए, पहले सिक्के को एग्जाम में प्रश्न बनाया जाता है जीतल कहा गया, दूसरे को टंका कहा जाता है, एक जीतल हो गया, दूसरा क्या है टंका। जो टंका है जो, ठीक है, ये जो टंका है, ये टंका दरअसल क्या है, तांबे का है, तांबे ही करेंसी को टंका कहा गया, और चांदी नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, जीतल सॉरी, जीतल क्या है तांबे की करेंसी है, और ये क्या है चांदी की करेंसी है। इसको लेकर एक बात एग्जाम में और प्रश्न महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, वो प्रश्न ये है कि इसके समय एक मंगोल आक्रमणकारी है। ठीक है, तो मंगोल आक्रमणकारी क्या होते हैं भाई, इस समय क्या हुआ, मंगोल आक्रमणकारी के द्वारा क्या है, भारत की क्या है पश्चिमोत्तर सीमा तक मंगोल हमलावर आ गए थे, जिसको लोग चंगेज खान के नाम जानते हैं। दरअसल एक ख्वारिम नाम का प्रांत था, और उस ख्वारिम का एक राजा था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन नाम से, तो वो जलालुद्दीन व्यक्ति किन्हीं कारणों से मंगोल आक्रमण, मंगोलों से क्या हुआ, उसका युद्ध विवाद हुआ, और विवाद के बाद वो क्या युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या वो भाग खड़ा हुआ, और भागते हुए क्या भारत की पश्चिमी सीमा तक वो व्यक्ति आ गया, और उसी का पीछा करते हैं कौन भारत आया, वो व्यक्ति कौन था, चंगेज खान, उसी का पीछा आया। और इस जलालुद्दीन के द्वारा इल्तुतमिश से क्या शरण मांगी गई, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी क्या समझदारी का परिचय देते हुए उसको भारत अपने राज्य में क्या शरण देने से मना कर दिया, और उसको वहां से वापस जाना पड़ा। और यही जो चंगेज खान है,
भारत की पश्चिमोत्तर प्रांत तक आया और वहीं से क्या हो गया, वापस लौट गया। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने क्या काम किया, इस जो मंगोल हमलावर है उनको क्या कर दिया, भारत से क्या, उनके हमले से क्या है, भारत को बचा लिया। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि किस सुल्तान के काल में, किस सुल्तान के टाइम पीरियड में पहली बार मंगोलों का हमला हुआ है, तो व्यक्ति कौन है, इल्तुतमिश। तो देखिए इल्तुतमिश के समय क्या हो गया, मंगोल हमलावर चंगेज खान भारत की पश्चिमी सीमा पर आता है, ठीक है। तो पहली बार मंगोल हमला किसके समय हुआ, इंडिया के यानी पश्चिमोत्तर प्रांत में आया, वो व्यक्ति वो कौन है, इल्तुतमिश के समय आया। अच्छा, इल्तुतमिश के एक दरबारी इतिहासकार हैं, जरा उनके बारे में, जरा एक इसकी दरबार में एक बड़े फेमस हिस्टोरियन इतिहासकार मिलेंगे आपको, जिनका नाम है मिन्हास उस सिराज, मिन्हास नाम का व्यक्ति है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, मिन्हास उस सिराज, क्योंकि इसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा लिखी किताब को एग्जाम में कई बार प्रश्न उठाते हैं, और इसकी बुक का नाम तबकात ए नाशिरी, जरा इसकी किताब का नाम याद रखें, तबकात ए नाशिरी। तो ये सब बातें हम लोगों ने किसके बारे में कर ली, इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, हालांकि इल्तुतमिश ने मृत्यु होने से पहले ही इसने क्या काम किया था, इसके द्वारा अपनी बेटी है रजिया, रजिया को क्या है अपना क्या है अगला उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिया था। लेकिन इससे पहले, चूंकि रजिया से पहले भी क्या है, इस इल्तुतमिश का एक अयोग और बिलासी बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज नाम से, उसको जो जो दरबार है, दरबार के जो अमीर हैं, अमीर का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जिनको क्या है, जिनको जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, उनको जागीरदार या अमीर कहा जाता था। दरबार के अधिकारी जो बड़े अधिकारी, उनको अमीर की टाइटल दिया जाता था। दरबार के जो अमीर हैं उनके द्वारा इसी का एक अयोग्य और विलासी बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज, उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। अब वो व्यक्ति क्या इतना अयोग्य है, तो उसको लेकर, हालांकि इसने किसको अपॉइंट किया अपना उत्तराधिकारी, अपनी बेटी को, रजिया को। तो इसकी बेटी है रजिया, ठीक है। रजिया ने केवल, रजिया के बारे में अगर बात कर लें तो रजिया केवल 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 क्या, 4 साल शासन की रजिया, 36 में इसकी डेथ होती है, तो 1236 से लेकर 40 तक रजिया रही अपने पद पर। बस इसके बारे में इतनी बात जाने, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। हालांकि जब पहली बार क्या है, दरअसल दिक्कत क्या है रजिया को लेकर के, जब पहली बार इसने क्या किया, रजिया को अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिया इल्तुतमिश के द्वारा, दरबार के अमीर नाराज हो गए, पर उन्होंने क्या काम किया, चालाकी से क्या किया, इसी के एक भाई है रुकनुद्दीन फिरोज जो एक अयोग है बिलासी शासक, उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो इस बात को लेकर रजिया ने लाल वस्त्र पहना, और लाल वस्त्र पहन के लोगों के सामने पहुंच गई। देखिए लाल वस्त्र का मतलब क्या होता है, न्याय मांगना। इसका लाल वस्त्र क्या है, लाल रंग के कपड़े का एक प्रतीक है किसका, न्याय मांगने का। और इसलिए रजिया क्या हो गई, लोगों के सामने गई, दिल्ली की जनता ने इसको हटाया और रुकनुद्दीन फिरोज को रजिया क्या बना दिया, राजा बना दिया जो रजिया है। अब दूसरी बात, एक महिला शासन करे लोगों पर, तो ये बात क्या हुई, दरबार के दरबार जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको क्या पसंद नहीं आएगी, बड़े बड़े अधिकारियों को पसंद नहीं आएगी, ऊपर से क्या पुरुषों जैसे वस्त्र पहनती है। एक दास है इसका अल्तुनिया, ताकतवर है, उसी से शादी कर ली। और एक बार क्या हुआ, दिल्ली अपनी राजधानी को वापस लौटते समय अल्तुनिया इसका हस्बैंड और इसको क्या है, वहीं पे क्या है, डाकू के द्वारा क्या है, इसकी हत्या करवा दी जाती है। तो हत्या करवाने के बाद जो नए राजा बनेंगे, इसके बाद आपका एक व्यक्ति सामने आएगा जिसको हम क्या बलवन के नाम से जानते हैं, गयासुद्दीन बलवन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अगला व्यक्ति राजा बनेगा दिल्ली सल्तनत में, इसको क्या है, वलवन को बोलते हैं, पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन। हालांकि रजिया के बाद भी
कई सारे और राजा रहे लेकिन वो सुल्तान बने हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं है। तो ये जो बीच का काल है 40 से लेकर के 66 तक का जो काल है, ये ऐसे क्या रहा, संघर्ष वो काल रहा है। ठीक है, छोटे मोटे राजा बने हैं, छोटे मोटे सम्राट बने हैं, लेकिन वो क्या हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उस व्यक्ति को गयासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं। 1266 में क्या बना, 40 के बाद कितने साल हो गए, 26 साल का शासन ऐसे ही रहा है। तो देखिए बलबन, सबसे पहली बात तो बलबन इल्तुतमिस को हम लोगों ने पढ़ा था, और इल्तुतमिस ने एक दल बनाया तुर्कान ए चालीसा। इसी तुर्कान ए चालीसा का क्या है, मेंबर है बलबन खुद, खुद ही तुर्कान ए चालीसा का सदस्य था। और सबसे पहला काम इसने राजा बनते ही सबसे पहला काम क्या कर दिया, जो तुर्कान ए चालीसा दल था सबसे पहला काम क्या कर दिया, को खत्म कर दिया, सभी लोगों को क्या कर दिया, मरवा दिया चुन चुन कर। इसके द्वारा चालीसा की समाप्ति कर दी। और ये व्यक्ति है तो क्या है, ये भी दास वंश है, गुलाम वंश का है, गुलाम है, लेकिन ये व्यक्ति खुद को गुलाम नहीं मानता है। ईरान में एक बड़ा फेमस वंश रहा है जिसको अफरासियाब वंश बोलते हैं, और बोलता है मैं क्या है, ईरान के जो पवित्र वंश है, जो ठीक है मुस्लिम जगत में जो ईरान का पवित्र वंश है, यानी कि उसको मैं उसका क्या है वंशज हूं, और खुद को क्या किया, स्वयं को अफरासियाब वंश, ईरान का वंश है, क्या घोषित कर दिया, बोले मैं क्या हूं, कोई दास वगैरह नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं तो एक क्या है ईरान के पवित्र अफरासियाब वंश का वंशज हूं। और इसको लेकर क्या किया इसने, जैसी ईरान में पद्धतियां अपनाई जाती, जैसी जैसी पद्धतियां ईरान के दरबार में अपनाई जाती हैं, वैसी ही पद्धतियां क्या कर दी इसने, अपनानी शुरू कर दी। कौला बोलता है जब कोई व्यक्ति मेरे दरबार में आएगा तो दरबार में आने के बाद दो काम उसको करना पड़ेंगे, एक सिजदा करना पड़ेगा, एक क्या करना पड़ेगा आपको, पैवोस करना पड़ेगा। सिजदा का मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, सम्राट के सम्मान क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, यानी कि झुकने का मतलब क्या है, आपको क्या है सम्राट के क्या पैरों में क्या लंबा लंबा क्या है जमीन पर क्या करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। और लेटने के बाद यही क्या है सिजदा है, पैवोस का मतलब क्या है, लेटने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, कदम चूमना पड़ेगा, सुल्तान के कदम क्या करने पड़ेंगे आपको, चूमना पड़ेंगे। यही क्या थे सिजदा और पैवोस प्रथा, कौन लेके आया, यही बलबन नाम का व्यक्ति लेके आया। और दूसरी बात, खुद को बोलता है मैं क्या अफरासियाब वंश का वंशज हूं, और दूसरी बात इसने क्या काम किया, ईरान का त्योहार है ईरानी त्योहार नौरोज, इस नौरोज को भी मनाना शुरू कर दिया। और स्टेटमेंट देता है जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं मेरा हाथ गुस्से से मेरी तलवार पर चला जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है, बलबन का। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट को भी एग्जाम से पूछा जाता है, जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ गुस्से से मेरी तलवार पर चला जाता है, ऐसी ऐसी बातें कौन करता है, ये क्या करता है। और खुद क्या किया, राजा का देवी अधिकार, राजा क्या बोल दिया, दैवी अधिकार का क्या करता है, समर्थन करता है, समर्थन किया राजा का दैवी अधिकार। गिफ्ट ऑफ गॉड बोलता है, भाई मैं तो गोड क्या है, राजा का क्या हूं, सॉरी गॉड का क्या हूं, गिफ्ट हूं, यानी कि जो बातें मैं कहूंगा वो बात क्या सही है, जो बात मैं कहूंगा यानी कि क्या मीडिएटर हूं किसका, गॉड का। तो राजा का देवी अधिकार का सिद्धांत दिया, और इसका मतलब ये देने के बाद खुद को बोलता है मैं क्या हूं, जिल्ले इलाही, क्या हूं मैं, जिल्ले इलाही। और जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, मैं क्या हूं, इस पृथ्वी पर ईश्वर की छाया हूं, खुद को ऐसा बोलता है, जिल्ले इलाही का समर्थन करता है, कौन, यही गयासुद्दीन बलबन। इसका जो शासन है, पूरे शासन का आधार ही क्या है, रक्त एवं लौह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी ही इसके शासन का आधार है। मतलब कोई व्यक्ति अगर मेरे खिलाफ विद्रोह करता है तो ऐसी स्थिति में, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति को पकड़कर मार दिया जाएगा, और जो उसके बीवी बच्चे होंगे ठीक है उनको क्या है गुलाम बना दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति क्या इसके खिलाफ क्या विद्रोह करने की सोचेगा ही नहीं,
उसको लगता है अगर विद्रोह किया मैं पकड़ा गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं मार दिया, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, उनको भी क्या किया जाएगा गुलाम बना दिया जाएगा। ठीक, इसको लेकर दूसरी बात क्या, इसने कुछ सैन्य सुधार भी किए हैं, जैसे एक विभाग की स्थापना की, उस विभाग का नाम है दीवान ए आरिज। थोड़ा प्रशासन की बात कर लें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो एक विभाग है दीवान ए आरिज नाम के विभाग की स्थापना की, और ये कौन सा विभाग है, आर्मी विभाग है, आर्मी सैन्य विभाग है इनका। तो पूछ लेते दीवान ए आरिज किसने बनाया। एक और विभाग है बना दिया बरीद ए मुमालिक नाम का विभाग, विभाग ले आया, ये क्या है इनका गुप्तचर विभाग है। ठीक है, एक अधिकारी है इसी में, नाम से स्पष्ट है बरीद, और बरीद क्या है, एक गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा गया है। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है कि बरीद क्या है, तो बरीद क्या है, एक गुप्तचर अधिकारी था कहां पर, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो ये कुछ एक्चुअल बातें जिसको लेकर एग्जाम में क्या बलवन से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीन शॉट ले, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए, इस दिल्ली सल्तनत में और हम लोग गुलाम वंश में अगर हम लोग बात करें, तो इस गुलाम वंश में एक कैकूबाबाद नाम का व्यक्ति रहा है, हालांकि इतना ताकतवर नहीं है, उसको एक जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद एक नया वंश चलाया गया जिसको हम लोग क्या है खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और इस खिलजी वंश में दो ही लोग बड़े प्रमुख रहे हैं, एक तो खुद अलाउद्दीन खिलजी, और एक जिसने इसकी स्थापना की उस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। तो अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं भाई, खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड की देखें तो 1290 से लेकर 1320 एडी तक ये खिलजी वंश आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी भी डायनेस्टी में कोई राजा कमजोर होगा तो उसको जगह कोई दूसरा व्यक्ति ही उसको रिप्लेस करेगा और एक नया वंश चला देगा। ये बात हम लोग क्या पूरे हैं मौर्य एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर में हम लोगों ने देखा, मौर्योत्तर काल में देखा, गुप्त काल हम लोग पढ़े, गुप्त उत्तर काल में देखा, यही स्थिति रहती है। तो ऐसे ही अब जब ये व्यक्ति कौन बना और इस वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी नाम का व्यक्ति। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानने लायक केवल एक ही बात है, कुछ बातें ये हैं, इसने क्या किया, जो बलवन की रक्त और लोह नीति है उसको त्याग दिया और अपनी शासन का आधार क्या बनाया, जनता की इच्छा को अपने शासन का आधार बनाता है। कौन, जलालुद्दीन खिलजी नाम का व्यक्ति। अच्छा, इसके समय भी क्या हुआ, एक मंगोल हमला हुआ है, तो इसके समय भी क्या हुआ, मंगोल हमला हुआ भारत के पश्चिमी सीमा पर, इसके समय भी मंगोल हमला हुआ है, और इसमें जो हमलावर हैं उनका नाम है हलाकू खान, एक फेमस मंगोल हमलावर है हलाकू खान। इसी के समय भारत में मंगोल हमला हुआ, दूसरी बार किसके समय हुआ, इसके बाद पहली बार इल्तुतमिश के समय चंगेज खान के नेतृत्व में, पश्चिमोत्तर सीमा तक आता है, आज दिल्ली की एक जगह है मंगोलपुरी का नाम सभी लोगों ने सुना है। तो दरअसल क्या, लगभग 4000 मंगोलों ने इसके समय क्या किया, अपना वो धर्म त्याग करके इस्लाम को ग्रहण कर लिया था, और जिस जगह इनको, इन 4000 मंगोलों को बसाया गया, वही जगह वर्तमान दिल्ली में आज मंगोलपुरी के नाम से फेमस है। ठीक है, इसी के समय। और दूसरी बात, इसी का वो भतीजा है जिसको आप क्या है अलाउद्दीन, सॉरी जिसी को क्या करते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, इसी का भतीजा है जिसने क्या किया, पहले देवगिरी का सफल अभियान किया गुजरात वाले क्षेत्र में, और अभियान से लौटते समय क्या कर दिया, अपने चाचा की बेटी से शादी भी किया है उसी से, और इसके बाद क्या कर दी, इसकी हत्या भी कर दी, किसके द्वारा, और उसी अलाउद्दीन खिलजी के बाद। तो इसमें जो सबसे फेमस व्यक्ति रहे हैं वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड हम लोग रखते हैं 1296 में बना, से काम किया 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी राजा बना और बनने के बाद एक उपाय धारण किया, बोला सिकंदर ए सानी। इसका मतलब यह है, सिकंदर ए सानी का टाइटल लिया यानी कि दूसरा सिकंदर। खुद को क्या बोलता है? दूसरा सिकंदर बोलता है, सेकंड सिकंदर अलेक्जेंडर इसने कहा। तो एग्जाम में कभी प्रश्न उठा लेते हैं कि किसको दूसरा सिकंदर कहा जाता है, तो वो व्यक्ति कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने योग्य बातें ये हैं, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियान इस व्यक्ति के द्वारा किए गए। तो कौन कौन से अभियान इस मिले किए? तो सबसे पहली बात, इसके कुछ प्रमुख अभियानों की डिस्कस कर लें। हेलो, तो इसका एक फेमस अभियान है गुजरात विजय। सबसे पहले गुजरात को जीत लिया, और गुजरात को जीतने के क्रम में अगर हम लोग बात कर लें तो इस समय जब गुजरात को हमला किया, गुजरात को क्या किया, जीता, तो गुजरात में इस समय शासक है, इस समय ये शासक है राजा कौन था इस समय? इसका राजा का नाम रायकर। और इसी जगह से गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया इसने, ठीक है? तो गुजरात अगर 1298 से 99 में हमला हुआ, और यही गुजरात में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है खंबात पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? एक खंबात नाम की जगह है। और इसी खंबात क्षेत्र से क्या किया इसने, एक मलिक मोहम्मद जाय सॉरी मलिक काफूर नाम के गुलाम को, जो एक हिजड़ा था, उसको यहीं से खरीदा गया था। तो मलिक काफूर यहीं से इसको प्राप्त हुआ, जिसको 1000 दीनार का, 1000 उस समय मुद्रा को दीनार कहा जाता था, तो इसको 1000 दीनार में खरीदा गया था। इसलिए इस व्यक्ति को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। इसको यहीं से खरीदा गया। एक अगली विजय की हम लोग जरा बात कर ले, तो गुजरात के बाद एक विजय है इसकी, चित्तौड़ विजय फेमस है। और ये सब बातें आप लोग मूवी में देख चुके हो पद्मावत, ठीक है? 1303 की चित्तौड़ विजय। ज्यादा कहानी मुझे बताने की इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया। यहां पर क्या गया? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं नेतृत्व किया। और यहां पर नेतृत्व कौन किया इस विजय में? स्वयं अलाउद्दीन खिलजी है, मलिक कफूर भी साथ है, अलाउद्दीन एक ही लिख देता हूं शॉर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर भी क्या था इस विजय में इसके साथ। और एक तीसरा व्यक्ति जो जानने लोग हैं, जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं, आप सभी ने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। और इस समय चित्तौड़ के राजा कौन है? चित्तौड़ के किंग कौन है? रतन सिंह। तो चित्तौड़ राजा कौन है? राजा रतन सिंह। ये कुछ विजय हैं। इसके अलावा इसके बारे में दक्षिण भारत की विजय, देखिए अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा राजा है, एकमात्र ऐसा शासक है, इसने क्या किया? दक्षिण में भी अभियान किए। तो दक्षिण अभियान की बात कर ले जरा इसके। और इसके सभी दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किसने किया जरा इस एग्जाम में पूछते हैं कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इस मलिक काफूर के द्वारा किया गया। और अलाउद्दीन खिलजी वो पहला राजा है मध्य काल का, यानी कि मिडिल एज का वो पहला राजा है जिसके द्वारा दक्षिण भारत के अभियान किए गए, यानी कि विंध्याचल को पार किया। पहला शासक है ना जिसने विंध्याचल को पार करने, किसको पार किया? विंध्याचल। हालांकि राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले व्यक्ति क्या, देवगिरी को जीत चुका है। क्या किया? देवगिरी को जीत चुका है, और वहां से काफी बाल इसने क्या किया था, जीता था। और इसके बाद हमला देवगिरी को, देखिए पहले भी जीत चुका है, और इसके बाद फिर से जब देवगिरी को जीता था, जलालुद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के समय में इसने जीता था, तो उसके बाद देवगिरी ने इसको क्या कर दिया, टैक्स देना फिर से बंद कर दिया। और जब राजा बनने के बाद फिर से अभियान कराया, किसके नेतृत्व में? मलिक कफूर के नेतृत्व में। तो अभियान किया देवगिरी पर।
और इस समय जब देवगिरी पर हमला हुआ तो देवगिरी के राजा का नाम याद, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ के राजा हैं राजा रामचंद्र देव। इसको पकड़कर क्या किया गया, अलाउद्दीन के दरबार में लाया गया और इसने फिर से क्या किया, इसके साथ अच्छा व्यवहार अलाउद्दीन ने किया और इस रामचंद्र देव को क्या किया, इसने टैक्स देने को भी मान लिया कि मैं आपको टैक्स दूंगा, और बदले में अलाउद्दीन के द्वारा इसको क्या है, राय रायन का टाइटल दिया गया। इस टाइटल को एग्जाम में प्रश्न उठाया जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को लेकर। अब सबसे पहली प्रश्न ये होता है अलाउद्दीन खिलजी के, थोड़े से हम लोगों ने इतनी फैक्चुअल बातें कर ली, थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न बनता है अलाउद्दीन खिलजी क्या प्रशासन को लेकर, तो इसने काफी सारे सुधार किए हैं, तो कौन कौन से प्रशासन इसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग जानते थे कि इससे पहले जो सबसे पहली बात तो इसने व्यवस्था लेके आया, सैनिकों को सैलरी दी, कैसी, कैश में सैलरी दिया। इससे पहले जागीरदारी व्यवस्था हुआ करती थी जागीर के रूप में, देखिए जागीर का मतलब दरअसल क्या है, किस रूप में वेतन दिया था, जागीर के रूप में इससे पहले व्यवस्था ये थी। जागीर का मतलब क्या हुआ, कोई बड़ा अधिकारी है उस अधिकारी को एक क्या जमीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा और उस जमीन के टुकड़े जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी क्या होगा राजस्व इकट्ठा होगा, उस राजस्व क्या करेगा अपने अंडर क्या कुछ क्या सैनिकों को रखेगा, उन सैनिकों की सैलरी देगा, अपनी सैलरी रखेगा और जो एक्स्ट्रा को बचेगा उसको क्या कर देगा राजकोष में जमा करा देगा। तो ये जागीर व्यवस्था चलती थी इससे पहले, लेकिन इसने क्या काम किया, इसको खत्म किया और खत्म करने के बाद क्या है नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरुआत की, और सैनिकों को जो सैनिक हैं सैनिकों को दो श्रेणी में बांट दिया। पहली श्रेणी क्या है, इसको बोला गया एक अश्वा, इसको बोला गया दो अश्वा। मतलब ये है एक अश्वा का मतलब क्या है, वो सैनिक जिसके पास क्या है एक घोड़ा, यानी कि घोड़े आप स्वयं के ले जाइए क्या करने के लिए, सेना में स्वयं के घोड़े रखिए, अगर आपके पास एक घोड़ा है तो आपको एक अश्वा का टाइटल मिल गया, आपके पास दो घोड़े दो अश्वा, यानी कि अगर आपके पास दो घोड़े हैं तो आपको पेमेंट भी क्या है सैलरी भी ज्यादा दी जाएगी। इनकी तुलना में लगभग 78 78 टन का उस समय की जो मुद्रा है वो 78 टन का के जाएंगे आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगे। तो ये व्यवस्था क्या है एक अस्फा और दुई अस्फा, तो एग्जाम में कभी प्रश्न बनाते हैं कि एक अस्फा और दुई अस्फा व्यवस्था किसने लेके आई, तो कौन लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरी बात, जब घोड़े एक अस्फा और दो अस्फा में आ रहे हैं तो क्या काम कर दिया इसने, घोड़ों को दागने की व्यवस्था कर दी, घोड़ों को दागना और प्लस हुलिया। अब सेना में तो क्या होना चाहिए, अच्छी नस्ल का घोड़ा होना चाहिए, तो घोड़ा तो क्या खच क्या कोई खराब नस्ल के घोड़ों को शामिल ना कर ले, इसके लिए क्या किया, जो घोड़ा है उसके लिए बाकायदा रजिस्टर तैयार कराया गया, जो घोड़े का मालिक होगा उसका हुलिया उसमें दर्ज किया जाएगा और उसके पास जो घोड़ा होगा घोड़े को चेक किया गया कि अच्छी नस्ल का है खराब नस्ल का है, जो घोड़ा अच्छी नस्ल का होगा उसको क्या कर जाएगा, उस पर एक मोहर लगा दी जाएगी ताकि पहचान रहे ये घोड़ा क्या शाही है और दूसरी बात क्या ये अच्छी नस्ल का घोड़ा है। तो ये दाग और हुलिया की व्यवस्था कौन शुरुआत किया, यही अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत किया। इसको लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, कुछ और फैक्चुअल बात जरा हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस तरफ कर लेते हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, टैक्स सिस्टम लेके आता है, और टैक्स की अगर हम लोग इसके बात कर लें तो कई तरह का टैक्स लेके आया। सबसे पहला एक टैक्स था जजिया टैक्स, एक टैक्स को हम लोग बोले जकात। देखिए जजिया टैक्स गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स है, यानी कि हिंदुओं से विशेषकर, तो यह किससे लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया गया एक धार्मिक टैक्स है। और जकात की बात करें, यह भी एक धार्मिक कर है, और यह किससे लिया जाता है, इसको मुस्लिमों से लिया जाता है, किसको, जकात। दूसरी हम लोग बात कर लें, एक टैक्स है घरी कर, इसको भी एग्जाम में उठा लेते हैं, इसको ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे घरी कर। ये आपके घर जब आप अपना घर बनाओगे तो उस पे लगने वाला जो टैक्स होगा इसको गृह कर बोलेंगे। एक होता है चरी कर, इसको भी एग्जाम में कई बार प्रश्न उठाते हैं, और चरी कर का मतलब क्या है, चारागाह, यानी कि वो स्थान जहां पर आप अपने पशुओं को चराते हो उस पे भी क्या जाता है आपसे टैक्स लिया जाता है, उसको चरी कर बोला गया। और अलाउद्दीन के काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बाजार नियंत्रण नीति, बाजार नियंत्रण नीति। देखिए बाजार नियंत्रण नीति दरअसल क्या है, इसके द्वारा क्या काम किया, मार्केट में जब पहली बात तो सैनिकों को क्या है नकद वेतन दिया जा रहा है, तो इसको लेकर इसने क्या काम किया,
बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती है सभी कर दिए, रेट फिक्स कर दिए, क्या तालिका बनवाकर मार्केट में टंगवा दी, ताकि क्या रहे रेट, क्या रहे फिक्स रहे, कोई क्या कम या ज्यादा दाम पर क्या है चीजों को ना बेच सके। ये इसलिए क्या था, क्या है महंगाई को कंट्रोल में कैसे किया जा सके। कारण क्या है उसका, अगर नकद वेतन आप दे रहे हो तो उसको लेकर क्या चाहिए, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो सैनिकों क्या होगा, उतने में काम नहीं चलेगा। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए, बाजार को कंट्रोल करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति लेके आता है, और इसके लिए क्या है कई सारे अधिकारियों का भी अपॉइंटमेंट किया गया। जैसे एक अधिकारी इसमें अपॉइंट किया गया, इनके द्वारा क्या है सहना ए मंडी नाम से एक अधिकारी है, सहना ए मंडी। समझ लीजिए बाजार का दरोगा है ये, क्या है ये बाजार का दरोगा सहना ए मंडी। एक अधिकारी है बरीद, ये क्या है गुप्तचर है जो मार्केट में घूमता रहेगा, गुप्तचर अधिकारी है बरीद जो मार्केट में क्या करेगा, गुप्तचर अधिकारी, ये गुप्तचर अधिकारी मार्केट में घूमेगा। और इसी के नीचे एक छोटा और व्यक्ति है, जरा इसको भी ध्यान, मुनिहा, ये भी क्या है ये एक गुप्तचर है, क्या है ये एक गुप्तचर है जो ये गुप्तचर बाजार में घूमते रहेंगे। आप लोगों ने पीडीएस सिस्टम का नाम जाना है, लेकिन जो पीडीएस सिस्टम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जनक अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति है, ठीक है, मार्केट कंट्रोल जो पॉलिसी है इसकी, इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जितने प्रश्न बनने की संभावना होती है जितने अधिकारी को एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने सभी को ऐड कर दिया है। और ये हम लोगों ने बात कर दी किसकी, खिलजी डायनेस्टी की। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे किसी नई डायनेस्टी के साथ, अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत ही हम लोग पढ़ेंगे, इससे अगले वंश की बात हम लोग करेंगे, तुगलक वंश की हम लोग बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।